बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जो क्वेश्चन दिया गया वो इस फॉर्म में है कि आपने एक ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी है, ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी है लाइंस की जो कि पास थ्रू कर रही है और परपेंडिकुलर किसके हैं, इस वाली लाइंस के हैं। तो आपने इस तरह की एक और इक्वेशन बनानी है ज्वाइंट इक्वेशन के थ्रू। हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि ज्वाइंट इक्वेशन किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्वाइंट इक्वेशन की जनरल स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ज्वाइंट इक्वेशन जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां पे जो अननोन है वो आपके पास हैं ए बी और एच। जिस तरह एम वन प्लस एम टू, इधर देखें पहले तो ये अननोन है हमारे पास एम वन प्लस एम टू, उसके बाद अननोन है एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू। तो एम वन प्लस एम टू की जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस टू एच बाय बी। इसी तरह एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू का फार्मूला होता है ए बाय बी। क्या फार्मूला है कि एम वन प्लस एम टू जो होता है वो होता है माइनस टू एच बाय बी और एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू होता है ए बाय बी होता है। अब यहां पे ये दो चीजें अननोन आ गई हमारे पास, ए बी और एच आ गया, बल्कि तीन है एच भी है। यहां से वैल्यू आप निकाल के इक्वेशन से आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के फिर हम इसकी मिल जाएगी, इसको हम दोबारा फिर ज्वाइंट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी कंप्लीट ज्वाइंट इक्वेशन बनेगी। जी इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने कंपेयर किया था, लेकिन यहां पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी कि दोनों इक्वेशन ही इक्वल हैं। देखिए अगर इक्वेशन डिफरेंट होती तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर करके आगे इनकी वैल्यूज मजीद फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहां पे ऐसा हुआ हुआ है कि दोनों इक्वेशन ही सेम है, उसमें ए बी और एच की जगह पे सेम पोजीशन पे सेम चीजें पड़ी हुई हैं। तो अब आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यू हमारी किस तरह बनेगी। जी ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एज इट इज हैं, तो हमें इसको कंपेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस तरीके से इसको निकाल सकें। उसके बाद एक जनरल इक्वेशन जो होती है, अगर इस तरह का केस आ जाए कि दोनों इक्वेशन जनरल इक्वेशन और गिवन इक्वेशन अगर सेम दी जाती हैं, तो फिर हम लोग क्या करते होते हैं कि हम इनके जो लास्ट और फर्स्ट वाला जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको चेंज कर देते होते हैं। उनके चेंज करने का तरीकाकार ये होता है कि हमने एक्स की जगह पे बी की जगह पे ए लिख देते हैं और एक जगह पे क्या लिख देते होते हैं, बी लिख देते होते हैं। उस फॉर्म में आपने क्या करना होता है कि ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको चेंज कर देना होता है। जैसे कि ये हमारे पास है इक्वेशन, हमारे पास बनी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास। अब जो जनरल इक्वेशन आपने लिखनी है वो हमारे पास कुछ इस तरह थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब दोनों इक्वेशंस मैच हो गई हैं। जब भी इस तरह का केस आ जाए कि दो इक्वेशंस, एक गिवन इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन दोनों मैच हो जाती हैं, तब हमारे पास जिस तरह एम वन प्लस एम टू का फार्मूला था माइनस टू एच बाय बी, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू होता है ए बाय बी, वो भी वैसे का वैसे, एक जगह पे ए है और बी जगह पे बी है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते होते हैं कि ज्वाइंट इक्वेशन में थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि हमने क्या करना होता है कि ए की जगह पे बी और बी की जगह पे क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। जिस तरह ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है, बल्कि बी नहीं, हमारे पास एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू वाई का स्क्वायर।
तो हमने थोड़ी सी चेंज ही करनी है कि यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू, हमारे पास क्या है एम वन प्लस एम टू, वो निकला है माइनस टू एच बाय बी एक्स वाई प्लस एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू। यहाँ पे हमारे पास क्या है एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू, वो क्या निकली है ए बाय बी और y का स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें अब मजीद, तो हमारे पास जो इक्वेशन एलसीएम लेंगे हम इन तीनों का, बन जाएगा b, ये आ जाएगा बी एक्स का स्क्वायर, बल्कि जरूरत नहीं, वो पहले इक्वेशन बन गई है बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस टू एच एक्स वाई, बी बी से कैंसिल हो गया, ए रह जाएगा ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये बी डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जनरल ज्वाइंट इक्वेशन बन गई, जो कि आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुताबिक आपने सॉल्व कर दी। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स किए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह के, ज्वाइंट इक्वेशन उसकी निकालनी है जो कि पास कर रही है परपेंडिकुलर किसके, इस लाइंस के। इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। उसके बाद सबसे पहले तो आपने ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई इंटू एम वन प्लस एम टू वाई का स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अननोन दो चीज़ें हैं, एक है m1 वन प्लस एम टू और इसी तरह दूसरी है m1 वन मल्टीप्लाई बाई एम टू। एम वन प्लस एम टू निकालने का फार्मूला माइनस टू एच बाई बी है और m1 वन मल्टीप्लाई बाई एम टू निकालने का फार्मूला a बाई बी है। अब यहाँ पे a, b और h जो है वो अननोन है, उनको निकालने के लिए आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगे, उसके बाद जनरल इक्वेशन लिखेंगे। अगर तो जनरल इक्वेशन और गिवन इक्वेशन दोनों मैच हो जाती हैं तब हमारे पास एम वन प्लस एम टू का फार्मूला माइनस टू एच बाई बी होता है और एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू का फार्मूला ए बाई बी है। अब ए बी और एच की वैल्यू यहाँ पे दी ही नहीं गई बल्कि वो जनरल इक्वेशन में सेम ही हैं, तो हमारे पास यही इक्वेशन आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। यहाँ पे एच बी ए और बी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने जो इक्वेशन ज्वाइंट इक्वेशन हमने लिखी थी उसको दोबारा लिखना है और उसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी, किसकी, एम वन प्लस एम टू की माइनस टू एच बाई बी और एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू की जो कि क्या थी ए बाय बी थी। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं कि एम वन प्लस एम टू की वैल्यू माइनस टू एच बाई बी निकल आई, एक्स वाई प्लस एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू वाई स्केयर की वैल्यू वैसे का वैसे वाई स्केयर हो गया और एक्स वाई की वैल्यू, सॉरी एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू की वैल्यू जो थी वो थी ए बाय बी, ए बाय बी पुट कर दी हमने। अब हम इनकी मजीद हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि अगर आपने एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लें, वरना दोनों तरफ से बी से मल्टीप्लाई कर दें पूरे स्टेटमेंट को। अब हमारे पास एलसीएम आ गया बी हमारे पास, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आप लोग वन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है बी वन आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई चीज़ नहीं है, तो एलसीएम तब लेते होते हैं जब आपके पास वैल्यूज ओवर में हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो। अब ये बी है, ये भी बी है और ये भी वन है, इन तीनों का एलसीएम बी आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे यही बी आ जाएगा और बी को फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ये देखें बी बी से कैंसिल, ए वैसे के वैसे, ये भी बी से कैंसिल, माइनस टू एच एक्स वाई आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो बी है नीचे वाला ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन वाला बी जो साइड पे है वो आपके पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगी बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो कि आपने ज्वाइंट इक्वेशन के थ्रू निकालने की कोशिश की है कि ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन से पास थ्रू करके ओरिजिन से और दोनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, वो किस तरह हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जब इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तब ये लाइन आपस में क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन हमें ये ग्राफ ड्रा करने के लिए नहीं कहा गया। अब हम इसको बस इतना ही लेके चलेंगे इसके बाद। हाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे जनरल इक्वेशन में ये जो इक्वेशन गिवन थी यहाँ पे ए एच और बी की जगह पे कोई वैल्यू निकलती तब आपने यहाँ पे एच
बी ए और बी की वैल्यू पुट करनी थी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इनकी वैल्यूज नहीं दी हुई। क्वेश्चन नंबर 7 में तो दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं दी गई, तो आपने इनको डायरेक्ट ही एम वन प्लस एम टू माइनस टू एच बाई बी है और एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू ए बाई बी है, हम इसको जनरली सॉल्व कर लेंगे।